क्वेश्चन नंबर 112 बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग रुपीज 200 बिटवीन ए एंड बी। मतलब देखो रुपीज 200 है टोटल, है ना, कितना है रुपीज 200 है टोटल, ठीक। इसको डिवाइड करना है दो बंदों के बीच में, एक का नाम ए एक का नाम बी है, ठीक। सो कह रहा है कि सच दैट ट्वाइस ऑफ ए शेयर इज लेस देन 3 times बी शेयर बाय 200 बी शेयर इज, बी का शेयर आपको बताना है, ठीक। तो मैं आपको ए का भी बता दूंगा, बी का बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस कंडीशन को हम नहीं पढ़ते, हम पहले इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। रुपीज 200 को दो बंदों के बीच में बांटना है ना भाई, कुछ अमाउंट ए को मिलेगा और कुछ अमाउंट, कुछ शेयर ए को मिलेगा। सो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, ए को कितना मिलेगा, लेट अस से ए को मिलेगा रुपीज एक्स, ठीक। ए को कितना मिलेगा 200 में से रुपीज एक्स। अब 200 में से एक्स चला गया तो बी को कितना मिलेगा, रुपीज 200 माइनस एक्स, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसा भी कर सकते थे कि बी को एक्स देते और ए को 200 माइनस एक्स देते, तब भी क्वेश्चन हो जाता, ठीक। अभी मैं वैसे भी आपको करके दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो आप। सपोज ए को एक्स रुपीज मिला और बी को कितना मिल जाएगा, 200 में से एक्स चला गया तो बी को मिलेगा 200 माइनस एक्स। तो ए का शेयर कितना हो गया, एज शेयर एस एस ए और कॉमा लगा के एस, यानी कि एपोस्ट्रॉफी एस, यानी कि ए का शेयर। सो ए शेयर कितना है रुपीज एक्स और बी शेयर कितना हो जाएगा, बीस शेयर कितना हो जाएगा रुपीज 200 माइनस एक्स। ऑब्वियसली 200 में से अगर एक्स चला गया तो 200 माइनस एक्स ही तो मिलेगा बी को, ठीक। नाउ अब ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि सच दैट ट्वाइस, जो जो बोल रहा है करते जाओ, ट्वाइस ऑफ ए शेयर, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ, ये देखो ट्वाइस ऑफ ए शेयर, ध्यान से सुन लीजिए, ट्वाइस ऑफ ए शेयर इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए शेयर, ए के शेयर का अगर हम ट्वाइस करते हैं तो इज इक्वल्स टू व्हाट, लेस देन 3 times बी शेयर बाय 200। इसका क्या मतलब है, इज लेस देन 3 times बी शेयर बाय 200, मतलब एक अगर हम ट्वाइस करते हैं तो कितना आता है, तो बी के शेयर का 3 times करने पर उसमें से अगर हम 200 माइनस करते हैं तो उतना आता है, ये मतलब है इसका, मतलब समझो। देखो कह रहा है कि सच दैट ट्वाइस ऑफ ए, सो ट्वाइस ऑफ ए शेयर इज ट्वाइस ऑफ ए शेयर, ए के शेयर का ट्वाइस करने पर कितना आता है, इज लेस देन 3 times बी शेयर बाय 200, मतलब ए का जो ट्वाइस है ना, ए के शेयर का जो ट्वाइस है वो 200 लेस है, यानी कि 200 माइनस करना है किसमें से, थ्राइस यानी कि 3 times ऑफ बी शेयर में से, ठीक। किसमें से माइनस करना है, 3 times ऑफ बी शेयर, ये मतलब है बच्चों क्वेश्चन का, ठीक है ना। Twice of a share is equals to 200 less by what? Thrice, यानी कि thrice का मतलब 3 times of B share. अब इसकी equation कैसे बनेगी? Twice of a share, A के share का twice करो, A का share कितना है? X है, X का twice करो, X का twice करने का मतलब है X को 2 से multiply करो, ठीक। So twice of A share के नीचे हम कितना लिखेंगे, 2 into X का share, यानी कि 2X, फिर इक्वल टू लगाए इक्वल टू लगा देंगे, और 3 times बी शेयर की जगह हम कितना लिखेंगे, बी के शेयर का 3 times, तो बी का शेयर कितना है 200 माइनस एक्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। यानी कि 200 माइनस एक्स इंटू क्या करेंगे 3, तो ये क्या हो गया 3 times ऑफ बी शेयर और माइनस 200, ये लीजिए इक्वेशन बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सॉल्व करो, 2 into x इज इक्वल्स टू 3 into 2 600, फिर माइनस 3 into x क्या होता है 3x, फिर माइनस 200। नाउ यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो 2x और ध्यान से चेक करना, ये माइनस 3x को लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो प्लस 3x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड 600 माइनस 200, 600 माइनस 200 कितना होता है 400, ठीक। 2x प्लस 3x, 2 प्लस 3 5x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल्स टू 400 बाय 5, 5 वन ज़ा 5, 5 एट ज़ा 40 और ये वाला 0 ऐसा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 80, सो x इज इक्वल्स टू रुपीज 80 आ गया बच्चों। यानी कि a का शेयर कितना हो जाएगा, मैं आपको दोनों के बता दे रहा हूँ, जो भी एग्जाम में यहाँ पे b का शेयर पूछा है, जो भी एग्जाम में पूछेगा आप बता देना, a का शेयर कितना हो गया रुपीज x था, x की वैल्यू 80, यानी कि रुपीज 80 ये आ गया a का शेयर, और b का शेयर उसने पूछा था तो b शेयर रुपीज 200 माइनस x, x की वैल्यू रख दो, x कितना है 80,
ठीक, 200 माइनस 80 कितना होता है 120, तो यहाँ से कहा जाएगा 120, ओके। तो बी का शेयर कितना है रुपीज़ 120 और ए का शेयर कितना है रुपीज़ 80 और ऑब्वियसली टोटल कितना था 200 रुपीज़ था, तो 200 में से 80 रुपीज़ मिल गया ए को और 120 मिल गया बी को, ठीक है। नोट करिए, फिर मैं आपको इसको अदर वे राउंड करके दिखाता हूँ, नोट करिए फटाफट और आंसर लिख लेना। ए का शेयर कितना आ रहा है रुपीज़ 80 और बी का कितना आ रहा है रुपीज़ 120, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, अब कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया होगा, उन्होंने ऐसे किया होगा, देखो और ट्राई कर रहे होंगे, शायद ना बन रहा हो। तो देखो, बी का शेयर अगर आपने एक्स मान लिया है, मान सकते हो, तो बी को अगर एक्स मिला तो ए को कितना मिलेगा 200 माइनस एक्स, ऐसे भी आप कर सकते हो 200 माइनस एक्स, ठीक है। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 माइनस एक्स और बी का कितना हो जाएगा एक्स, ठीक। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, लेकिन जो कंडीशन है वो तो वैसी रहेगी। कैसी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ ए शेयर इज इक्वल टू 200 लेस देन बाय थ्राइस ऑफ बी शेयर। बस अब यहाँ पे वैल्यूज फिट कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ ए, ए का ट्वाइस करो, यानी कि 200 माइनस एक्स इंटू 2, सो ए का शेयर कितना है 200 माइनस एक्स है, इसका ट्वाइस करो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ बी, बी के शेयर का 3 टाइम, बी का शेयर x है, x को 3 से मल्टीप्लाई करो यानी कि 3 इंटू एक्स और माइनस 200, इसको सॉल्व कर लो 2 इंटू 200 400 माइनस 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x माइनस 200, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दें क्या करने जा रहा हूँ मैं, माइनस 2x को राइट में और माइनस 200 को लेफ्ट में, यहाँ हो जाएगा 400 और प्लस 200 इज इक्वल्स टू 3x और माइनस 2x राइट में जाएगा सो प्लस 2x, 400 प्लस 200 600, तो यहाँ आ जाएगा कितना 600 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 कितना होता है 6, सो 6x, ठीक है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, सो x कितना आ जाएगा यहाँ से, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, आई थिंक लेट मी चेक इट, 3 प्लस 2 5 होता है बच्चों, 6 नहीं होता है, 3 प्लस 2 कितना होता है 5 होता है, ओके स्टूडेंट्स करेक्ट। नाउ अब 5x इज इक्वल टू 600 है ना, तो करते कहीं पे यहां पे कर लेते हैं, कितना आ रहा है 600 इज इक्वल टू 5x यानी कि 5x इज इक्वल टू 600, यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 600 बाय 5, ये 5 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा, 5 वन जा 5, 5 12 जा 60 और यहां पे 0, 120 बाय 1, 120, सो x की वैल्यू 120, इस बार x की वैल्यू 120, x आपने माना किसको था B को, तो B को मिला कितना 120 और A को कितना मिलेगा 200 माइनस एक्स यानी कि 200 माइनस 120 यानी कि 80, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जैसे हैंडल करना हो आप वैसे हैंडल कर लो। देखो A को 80 मिल रहा था, B को 120, वही आंसर अभी भी आ रहा है, ओके। सो नोट कर लीजिए,